जो जो रीढ़ की हड्डी देश के विभिन्न हाईकोर्ट दिखा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट नहीं दिखा पा रहा है विकास सर। नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। इसीलिए इसीलिए हमने एप्लीकेशन डाला, ये हमारा मेन रीजन था, क्योंकि जो टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट ने की थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बिल्कुल वो मंजूर नहीं था। इसीलिए नेक्स्ट डे ये सो मोटो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक पैटर्न लगा, इस पैटर्न में कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा स्टे करने का एक उद्देश्य है, और ओरल ऑब्जर्वेशन से भी थोड़ा इस तरह का लगा। इसीलिए हमने एससीबीए की तरफ से तुरंत एप्लीकेशन डाला। पॉलिटिकली सेंसिटिव मामले सुप्रीम कोर्ट ने तय करे हैं पिछले 5 साल में, करीब करीब सब सरकार के हक में गए हैं जी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इतने सारे लोग सुप्रीम कोर्ट से आस्था लगाकर वेट कर रहे थे कि भाई उनका केस सुना जाएगा, उनकी हेबियस कॉर्पस पिटिशन सुनी जाएगी, वो सब की सुनवाई नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट का तो एक अपॉइंटमेंट इनके सामने रहते नहीं हुआ, उसका भी कोई कारण था, ये अपने जो कॉलेजियम है उसको साथ लेके नहीं चल सकते थे। देखिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो एबिलिटी थी वो इनके पास तो नगण्य थी, नो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी एट ऑल। और इसलिए लॉट एडमिनिस्ट्रेटिव जो बहुत सारे प्रॉब्लम थे, रजिस्ट्री पे नियंत्रण भी चीफ जस्टिस का बहुत आवश्यक था, इनका कोई नियंत्रण रजिस्ट्री के ऊपर था नहीं। हम चाहेंगे कि तमन्ना साहब की जो है कम से कम जस्टिस डिलीवरी चलता रहे। जो एक परसेप्शन है आम आदमी के मन में, वो परसेप्शन को वो खत्म कर सके तो भी बहुत बड़ी बात है। अगर वो चाहे भले उतने निष्पक्ष ना भी हो, लेकिन कम से कम जो एक परसेप्शन वैकेंसी में अगर वो कर पाए, क्योंकि आज के दिन देखिए 40% वैकेंसी हाईकोर्ट में चल रही है, जो कि बहुत ही निराशाजनक बात है। मेरे को लगता है कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट को नींद कैसे आती है, पिछले कई सालों में। तो इसलिए सरकारी वकील माने जाते हैं, चाहे वो सरकार का ओहदा नहीं होल्ड करते, तो इसलिए उनको एमाइकस बनाने से भी यही बू आने लगी, ये तो बिल्कुल सरकार के कहने पर, सरकार के इशारों पर ये सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव ओसी, आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। नए मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के एनवी रमन्ना साहब आ गए हैं, उनका स्वागत हम सब करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने शपथ ले ली है और मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अब वो काम करने जाएंगे। इसके पहले ऐसे बोबड़े साहब थे जो अब रिटायर हो चुके हैं। निश्चित रूप से जैसा कि प्रशांत भूषण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और प्रशांत जी ने तमाम जो अभी आर्टिकल और सोशल मीडिया के वाया तमाम जो बातें रखी हैं वो साफ तौर पर बताती हैं कि जो पूर्व चीफ जस्टिस का कार्यकाल रहा है वो निश्चित रूप से बड़े विवादों में रहा है। हमारे साथ तीन खास मेहमान इस समय जुड़ गए हैं, मैं सबसे पहले परिचय करा दे रहा हूं। प्रशांत भूषण जी हैं जो मानवाधिकार के मामलों में बड़े वकील समझे जाते हैं, लगातार बड़ी प्रैक्टिस है। इसके साथ ही हमारे साथ विकास सिंह जी जुड़ गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इसके साथ ही हमारे साथ अनूप जॉर्ज चौधरी साहब जुड़ गए हैं जो मध्य प्रदेश राज्य के फॉर्मर एडवोकेट जनरल रहे हैं और इसके साथ ही सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। तो सबसे पहले प्रशांत जी आप ही से शुरू करूंगा, आखिर ऐसा क्या रहा कि ऐसे बोबड़े साहब आपके सीधे तौर पर क्रिटिसिज्म पे रहे, और आपने तो बकायदा हिंदू में लेख लिखा इंस्टीट्यूशंस को लेकर, सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के पद की गरिमा को लेकर। तो क्या खास कारण रहा कि चीफ जस्टिसेस निशाने पे हैं? देखिए पिछले 5 साल में हम ये देख रहे हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता चरमरा गई है, और कोई भी अहम फैसला, कितने भी पॉलिटिकली सेंसिटिव केस हैं, चाहे वो बिरला साहब वाला मामला ले लीजिए, चाहे वो रफाइल का, चाहे वो जज लोया का, सभी को अगर आप देखें कि जितने पॉलिटिकली सेंसिटिव मामले सुप्रीम कोर्ट ने तय करे हैं पिछले 5 साल में, करीब करीब सब सरकार के हक में गए हैं।
जी और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इतने सारे लोग सुप्रीम कोर्ट से आस्था लगाकर वेट कर रहे थे कि भाई उनका केस सुना जाएगा, उनकी हेबियस कॉर्पस पिटिशन सुनी जाएगी, वो सब उनकी सुनवाई नहीं होती है। ऐसे अहम केसेस जैसे कश्मीर का आर्टिकल 370 का, या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, या इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, इन सब की सुनवाई ही नहीं हो पाती। तो हमको उम्मीद थी कि भाई अब जब बोबडे साहब आएंगे शायद कुछ बदलेगा, शायद सुप्रीम कोर्ट और स्वतंत्रता दिखाएगा, अहम मुद्दों की सुनवाई होगी। लेकिन जो बोबडे साहब का टेन्योर रहा उससे बहुत ज्यादा निराशा हुई, क्योंकि इन्होंने सिर्फ वही ट्रेंड आगे नहीं किया, कई सारे ऐसे इन्होंने काम कर दिए जिससे ये झलकने लगा कि कहीं ना कहीं इनकी एक आइडियोलॉजी, जो ये सरकार की आइडियोलॉजी है, एकदम कम्युनल आइडियोलॉजी और रिलीजियस आइडियोलॉजी, उससे कहीं ना कहीं मेल खा रही थी। क्योंकि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो इन्होंने इस पर इसकी इसको चैलेंज पर नोटिस इशू कर दिया जी। ये तो यही एक तरह से झलका रहा है। और जिस तरह से वो हर हर छुट्टी में मंदिर वंदिर में जाते थे, खैर वो उनका पर्सनल मामला है, लेकिन फिर भी ये बात झलकने लगी कि शायद कहीं ना कहीं उनकी आइडियोलॉजी भी इस सरकार से मेल खाती थी। एक तो खैर उन्होंने सरकार की कोई बात को पर कोई सवाल ही नहीं किया, जो सरकार कहती थी वो मान लिया, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर्स वाला केस हो, सभी सभी केस में ऐसा हुआ। ठीक है, इसलिए हम मैं विकास सिंह जी को साथ में ले लेता हूँ। विकास जी, कितनी प्रशांत जी की बात से आप संतुष्ट दिख रहे हैं, चूंकि आप भी लंबे समय से प्रैक्टिस में हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बतौर अध्यक्ष भी आप बार को देख रहे हैं, बेंच को देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है प्रशांत जी, जितनी जो बातें कह रहे हैं उसमें कितना कितना किस कितना कितना प्रतिशत आप मानते हैं कि ठीक बातें हैं? कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो एक जिस जो अपेक्षा एक आम आदमी को सुप्रीम कोर्ट से होती है उसमें सुप्रीम कोर्ट खरा नहीं उतर रहा है, तो कोई दो राय नहीं। अब इसमें जो इनका बॉम्बे साहब का कार्यकाल है उसमें पैंडेमिक के पहले भी कई ऐसे मामले आए जहां पर कि उन्होंने एक 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 हेजिटेशन है सरकार के खिलाफ कुछ कड़ा कदम उठाने का। ये जो एक 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 कंसेक्यूटिवली हर चीफ जस्टिस का एक जो आ रहा है ये थोड़ा डिस्टर्बिंग है जरूर। दूसरी बात जिसका मेरा उनसे ज्यादा विवाद है और ज्यादा मेरे को उनसे दुख हुआ है कि पैंडेमिक के दौरान जो एक इस कोर्ट से लोग उम्मीद करते थे कि एक आम आदमी को, माइग्रेंट लेबर को और बहुत से और मुद्दों में सुप्रीम कोर्ट एक रिलीफ देगा या सुप्रीम कोर्ट एक प्रोएक्टिव होकर के काम करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो नॉट ओनली प्रोएक्टिव नहीं था बल्कि मेंशनिंग बंद कर दिया पूरे पूरे पैंडेमिक के दौरान। अब मेंशनिंग इंडिपेंडेंस के बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ, एक कुछ दिनों के लिए कपाडिया साहब के सामने हुआ था, उसका एक डिफरेंट रीजन था, मैं उसको आई विल नॉट लाइक टू गेट इट टू दैट जी। लेकिन अदरवाइज जब से सुप्रीम कोर्ट कायम हुआ है एक मेंशनिंग की जो राइट है, क्योंकि मेंशनिंग में बहुत से ऑर्डर पास हो जाते हैं, बहुत से अर्जेंट मैटर्स आते हैं, बहुत से लाइव सिचुएशन होते हैं, और पेंडेमिक में तो खास करके मेंशनिंग अलाउ करना चाहिए था। दूसरी बात, चीफ जस्टिस बैठे भी थोड़ा जब भी पेंडेमिक पूरे पेंडेमिक के दौरान 12 बजे के पहले नहीं बैठे, जबकि 10:30 बजे का कोर्ट का कार्यकाल का टाइम है, मेरे को याद है जस्टिस भरूचा के टाइम में नया नया पीछे के साइड का कोर्ट बना था और पीछे के जजेस 3-4 मिनट बाद बैठते थे, तो बार एसोसिएशन ने टेकअप किया कि भाई जब 10:30 का टाइम है तो 10:35 क्यों बैठते हैं जजेस। तो भरूचा ने इसको फुल कोर्ट में टेकअप किया कि भाई आप 5 मिनट क्यों आप लोग लेट बैठते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई चेंबर हमारा इधर है, यहां से पैदल जाने में क्योंकि नई बिल्डिंग बनी है टाइम लग जाता है। तो भरूचा ने कहा कि अगर 5 मिनट टाइम लगता है पैदल जाने में तो 5 मिनट पहले स्टार्ट कीजिए। मतलब इतनी इंपॉर्टेंस दी उस समय
टाइमली कोर्ट को बैठने के लिए, और आज 10:30 के बदले आप पूरे कार्यकाल में आप 12 बजे बैठे, कोई मेंशनिंग नहीं सुना, कोई इम्पोर्टेंट मैटर पे सुनवाई नहीं की, और जो भी एक हिचक जो रहती है सरकार के खिलाफ कुछ स्ट्रॉन्ग कदम उठाने की या टिप्पणी भी करने की, कल भी जो हुआ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के, पैंडेमिक को लेकर के जो ऑक्सीजन की सप्लाई वगैरह का केसेस चल रहा था, तो उसमें एक इम्प्रेशन ये मिला जरूर, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने, जबकि कोर्ट की ऑर्डर में ऐसा कुछ भी नहीं था कि हाईकोर्ट के मैटर को ट्रांसफर करेंगे, सॉलिसिटर जनरल ने अज्यूम कर लिया और कोर्ट ओपन कोर्ट में कहा कि जब आपने सुओ मोटो ले लिया तो फिर हाईकोर्ट हम लोग को जाने की जरूरत तो नहीं समझे ना हम, तो जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा कि नहीं नहीं आप हाईकोर्ट में भी जाइए, जस्टिस बॉबडे ने अपेरेंटली ओरली कहा कि नहीं नहीं बेटर होगा कि हम लोग सारा कुछ यहाँ ही सुने। इसीलिए आपको ध्यान होगा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तुरंत एप्लीकेशन डाला और कहा कि हाईकोर्ट जो है लोकल इश्यूज को डील करने में वो सबसे ज्यादा सक्षम है और सुप्रीम कोर्ट में मामले ट्रांसफर नहीं होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार के कम्फर्ट के लिए, विकास सर मैं आपको टोकूंगा, और दुखद ये है प्रशांत जी भी सामने हैं, ये सब होने के बावजूद आप देखिए पैंडेमिक में हम पूरा देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट कब सुमोटो कॉग्निजेंस लेगा, टॉयलेट से लेकर और ममता बनर्जी के पैर टूटने में सीबीआई जांच की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, लेकिन पैंडेमिक में सुप्रीम कोर्ट नहीं जगा था। आम 135 करोड़ को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट एक दिन जगेगा, हाईकोर्ट अपना काम कर रहे थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी, निश्चित रूप से लेट हुआ था। अनूप सर, जो सुप्रीम कोर्ट, जो प्रशांत जी कह रहे हैं और विकास सिंह जी कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कम से कम पेंडेमिक में तो अपना चेहरा दिखा रहा, अपनी छाती दिखाता कि कम से कम क्या हो रहा है। अनूप सर, कहर तो दिखा ही रहा है, वो अपना कहर तो सुप्रीम कोर्ट ने ढाई दिया सब तरफ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है जी। और मैं प्रशांत से उनकी स्मरण शक्ति पे थोड़ा जोर डालने को कहूंगा कि जब ये चीफ जस्टिस नहीं बने थे और 2-3 साल बकाया थे, तब मैंने इनको क्या कहा था ये जरा ध्यान करें, अब वो बात मेरी सही निकली या नहीं ये बताएंगे। अब मैं अनफॉर्चुनेटली बोल नहीं सकता आपको कि यहाँ पे चैनल पे के क्या कहा था, पर जो मैंने कहा था वो एग्जैक्ट वही का वही निकला। उसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जाके इनका, वहां पे तो ये काफी अच्छा स्टेट को खड़कते थे, उनको नोटिस देना और काफी रुख अच्छा स्ट्रॉन्ग दिखाते थे स्टेट के खिलाफ। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद एकदम ही रद्दोबदल हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन तरीका से हो गया, क्यों ये मुझे नहीं मालूम। अब जो भी रीजन रहे हो, बहुत सारे रीजन लगाए जा सकते हैं, मुनासिब नहीं होता है कि जब तक कि कोई प्रूफ ना हो जाए जब तक ऐसा उस आक्षेप लगाना भी मुनासिब नहीं है। पर यह बात जरूर है कि इनका कार्यकाल, अब देखिए इसी से इनके कार्यकाल की जो स्थिति है वो उसी से स्पष्ट होती है कि पूरे टर्म में अपने एक भी सुप्रीम कोर्ट जज यहाँ नहीं ला पाए और इतने अपॉइंटमेंट हुए कुछ नहीं, हार्डली। मेरे ख्याल से हाईकोर्ट के प्रशांत जानेंगे ज्यादा, हाईकोर्ट की कुछ अपॉइंटमेंट हुए हों तो हुए हों, सुप्रीम कोर्ट का तो एक अपॉइंटमेंट इनके सामने रहते नहीं हुआ, उसका भी कोई कारण था, ये अपने जो कॉलेजियम है उसको साथ लेके नहीं चल सकते थे। देखिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो एबिलिटी थी वो इनके पास तो नगण्य थी, नो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी एट ऑल, और इसलिए लॉट एडमिनिस्ट्रेटिव जो बहुत सारे प्रॉब्लम थे, रजिस्ट्री पे नियंत्रण भी चीफ जस्टिस का बहुत आवश्यकता है, इनका कोई नियंत्रण रजिस्ट्री के ऊपर था नहीं, तो ये कई बार बहुत सारी चीजें कैजुअल ले लेते थे, इनके कई रिमार्क्स भी इतने कैजुअल हो जाते थे, जैसे वो एक से पूछ गया था विल यू मैरी हर। अनूप सर थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ रहे, प्रशांत जी अब उम्मीद क्या कर रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से वो जो कार्यकाल थे वो तो बीत गए, अब एन वी रमन्ना साहब आए हैं, क्या उम्मीद है? देखिए जब जब हमने उम्मीद लगाई, जब खेर साहब आए तो उम्मीद लगाई कि बहुत स्ट्रॉन्ग जज हैं, जरूर सरकार से स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन आने के तुरंत बाद उसी समय करीब करीब ये वो मामला हो गया था कलिको पुल वाला, उसके बाद जब ये फिर ये बिरला सहारा वगैरह में क्या हुआ ये सब हम लोग जानते ही हैं जी। उसके बाद फिर दीपक मिश्रा साहब आए, उनसे भी हमने उम्मीद लगाई,
लेकिन वो मेडिकल कॉलेज का स्कैम हो गया और कलिकोपुल के सुइसाइड नोट्स में भी उनका नाम आ गया। उसके बाद गोगोई साहब से बहुत उम्मीद लगाई, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी दीपक मिश्रा साहब के खिलाफ, उनसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन उनके आते ही सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हो गया। अब ये सरकार जो है अनफॉर्चुनेटली सारी एजेंसीज, जितनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, सबका इस्तेमाल करती है, चाहे वो आईबी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो एनआईए हो, और कहीं ना कहीं ये एक शंका पैदा होती है कि क्या इन केसेस को, चाहे वो कलिकोपुल का केस हो जिसमें कि सरकार इन्वेस्टिगेशन करवा सकती थी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज स्कैम वाला केस हो जिसमें कि सीबीआई का एक इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, चाहे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हो जिसमें कि एक सरकार के पास पूरी इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि वो लड़की पुलिस ऑफिसर के पास गई थी जो उनको गोगोई साहब के घर में लेकर गया था। अब जो नए चीफ जस्टिस आए हैं उनके खिलाफ भी एक बहुत सीरियस एलिगेशन लगाया गया था, एक मुख्यमंत्री ने लगाया, लैंड परचेजेस का लगाया, और वो बोबडे साहब के पास उन्होंने कंप्लेंट भेजी, और बोबडे साहब की ड्यूटी थी कि उसमें एक प्रॉपर इन हाउस इंक्वायरी होती जो जजेस कोड ऑफ कॉन्डक्ट के तहत, लेकिन उसमें क्या किया गया नहीं किया गया किसी को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि कुछ सार्वजनिक नहीं किया गया, ठीक है, कोई हाउस कमेटी बैठी कि नहीं बैठी, क्या उनकी रिपोर्ट आई, कौन लोग थे उसमें, किसी को कुछ पता ही नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि सरकार के पास ऐसे में एक हथियार आ जाता है ऐसी सिचुएशन कि भाई सरकार चाहे जब चाहे उसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवा दे, ठीक है, और सीबीआई एक ऐसी एजेंसी हो गई है जो पूरे सरकार के हाथ में है, तो इसलिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवा दे, कोई और इन्वेस्टिगेशन करवा दे, और ठीक ये एजेंसियां सरकार के हाथ में होती है, इसलिए ये बहुत बड़ी आशंका उत्पन्न होती है ऐसी सिचुएशन में कि भाई क्या वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है विकास सिंह जी, कल अंतिम हेयरिंग, मतलब कह सकते हैं बोबड़े साहब के अंतिम दिन जिस तरह कोर्ट में हुआ कि उस जैसे ही कोर्ट बैठी तो हरीश सालवे ने कहा कि भाई हम तो इस माहौल में तो अब नहीं एमिकस क्यूरी बनना चाहते हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही तमाम सीनियर एडवोकेट्स ने बकायदा हमला बोल दिया कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने काम किया, उनका बयान छपा, लोगों ने वो बयान पढ़ा, वो ट्रायल कोर्ट के वकीलों ने भी पढ़ा, जजेज ने भी पढ़ा, हाईकोर्ट के भी वकीलों जजों ने पढ़ा। मुद्दा ये है विकास सिंह जी कि ये जो गरिमा है सुप्रीम कोर्ट की, चीफ जस्टिस के पद की, ये जो नीचे आई है, इसको ये क्या कभी इस पर कोई मरहम लग पाएगा? विकास सर देखिए, मेरा ये मानना है कि मैं प्रशांत जितना वो नहीं हूँ, मतलब पेसिमिस्टिक नहीं हूँ, मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ, और मेरा ये मानना है कि शायद कुछ इम्प्रूवमेंट आए। रमन्ना साहब फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, फर्स्ट जनरेशन काफी ऊंचे पद तक उठ गए हैं, एक काफी उससे आकर के स्ट्रगल करके स्टूडेंट लीडर की तरह जैसा उन्होंने स्टार्ट किया था, प्रैक्टिकल आदमी है। अगर आप इन तीन चार कार्यकाल को अगर एनालाइज करें, बॉबडे साहब और गोगोई साहब और दीपक मिश्रा जी, तो मैं कहूंगा इन तीनों में दीपक मिश्रा का कार्यकाल तीनों में बेस्ट था, क्योंकि उन्होंने कम से कम डिसीजन दिए, केसेस सुनते थे, एक उनके दिल में एक आदमी को, आम आदमी को जस्टिस देने का एक उनकी चाह होती थी, भले कुछ बड़े बड़े मामलों में सरकार को फेवर करना चाह होगा उन्होंने, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कम से कम जस्टिस डिलीवरी चलता रहा। इसलिए हम चाहेंगे कि रमन्ना साहब भी जो है कम से कम जस्टिस डिलीवरी चलता रहे। जो एक परसेप्शन है आम आदमी के मन में, वो परसेप्शन को वो खत्म कर सके तो भी बहुत बड़ी बात होगी। अगर वो चाहे भले उतने निष्पक्ष ना भी हो, लेकिन कम से कम जो एक परसेप्शन, देखिए सब लोग जानता है, प्रशांत भी जानते हैं, अनुप जी भी जानते हैं, हालांकि अनुप जी मानेंगे नहीं क्योंकि कांग्रेस के, इंदिरा गांधी के टाइम में भी होता था,
ऐसी बात नहीं कि इंदिरा गांधी के टाइम में भी जुडिशरी पे इन्फ्लुएंस नहीं होता था, लेकिन परसेप्शन में कभी सुप्रीम कोर्ट पे ये आज नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक आम आदमी के नजरिए में जो एक इंस्टीट्यूशन का जो गिरावट था वो नहीं आया उस पीरियड में। तो वो चीज भी अगर रिस्टोर करते रमन्ना साहब कि एक परसेप्शन बैटल में कि हाँ लोगों का कम से कम विश्वास वापस आ जाए, जस्टिस डिलीवरी प्रॉपर, आज के दिन में क्या कंप्लीटली ड्रेन्ड है। आज के दिन में आप देखिए तो पूरे एक साल पैंडेमिक में जब वर्चुअली होना था तो वर्चुअल भी तो काम हो सकता था, ऐसा तो नहीं कि वर्चुअल काम नहीं हो सकता था। जजेस 10:30 से 4 बजे तक बैठ सकते थे, 12 बजे चीफ जस्टिस बैठते थे, 1:30 बजे उठ जाते थे, बाय एंड लार्ज ऐसे ही बेंचेस हुए, सारे बेंचेस बैठे भी नहीं, मैटर्स नहीं लगे। तो कम से कम एक जस्टिस डिलीवरी जो हमारा मेन काम है सुप्रीम कोर्ट का, वो जस्टिस डिलीवरी भी अगर स्टार्ट हो जाए ना फुल स्केल, जो एक नॉर्मल फंक्शनिंग का जो एक कोर्ट का काम होता है जिसमें कि आम आदमी को उनके मामले सुने जाए, उनको एक निष्पक्ष तरीके से उनको एक न्याय मिले, तो बहुत बड़ी मेरे ख्याल से उपलब्धि होगी। जुडिशियल वैकेंसी में अगर वो कर पाए, क्योंकि आज के दिन देखिए 40% वैकेंसीज हाईकोर्ट में चल रही है जो कि बहुत ही निराशाजनक बात है। मेरे को लगता है कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को नींद कैसे आती है, कितने इतने जजेस की वैकेंसी उसकी कोर्ट में पड़ी है। क्योंकि आप ये भी रियलाइज कर रहे हैं कि जज अगर नहीं होगा तो जस्टिस डिलीवरी कितना बड़ा हिट लेता है। थोड़ा सा एड ऑन कर दूं, जो रीढ़ की हड्डी देश के विभिन्न हाईकोर्ट दिखा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट नहीं दिखा पा रहा है विकास सर। नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। इसीलिए हमने एप्लीकेशन डाला, ये हमारा मेन रीजन था, क्योंकि जो टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट ने की थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बिल्कुल वो मंजूर नहीं था। इसीलिए नेक्स्ट डे ही ये सो मोटो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक पैटर्न लगा, इस पैटर्न में कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा स्टे करने का एक उद्देश्य है, और ओरल ऑब्जर्वेशन से भी थोड़ा इस तरह का लगा। इसीलिए हमने SCBI की तरफ से तुरंत एप्लीकेशन डाला, क्योंकि और तो किसी को सुनवाई करते नहीं है आजकल ये, लेकिन SCBI कम से कम एक ऑर्गेनाइजेशन है, 12 एसोसिएशन है, उसको दबाना इतना आसान नहीं है। हमने तुरंत एप्लीकेशन डाला कि भाई इस तरह से हाईकोर्ट को या तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को फिर तो बंद कर दीजिए, फिर सुप्रीम कोर्ट एक ही कोर्ट रहे कंट्री में, बाकी सारे कोई भी कोर्ट जहां पर भी गवर्नमेंट के खिलाफ जाए आप उसको चलने नहीं दीजिए। तो ये तो बिल्कुल गलत होगा ना, इस तरह से तो क्या मोरल होगा हाईकोर्ट के जज। अनूप सर मुझे ये बताइए कि ये जिस रीढ़ की हड्डी की विकास सर बात कर रहे थे, और हम लोग भी जानते हैं कि वो रीढ़ की हड्डी, वो कहीं ना कहीं गोगोई साहब के राज्यसभा जाने के बाद वो और ज्यादा खुल के सामने आ गया, क्योंकि अभी तक दबे कुचली बातें जरूर होती थी, और प्रशांत जी जैसे, विकास सिंह जी जैसे सीनियर एडवोकेट, तमाम सुप्रीम कोर्ट में आप जैसे वकील उठाया करते थे, लेकिन अभी पब्लिक के बीच इस तरह की बातें नहीं थी। और मुझे लगता है कि गोगोई साहब के अपॉइंटमेंट बकायदा जो राज्यसभा में गए उसके बाद और खुल के आ गया, और ईश्वर ना करे भविष्य में और भी अगर एग्जाम्पल देखने पड़े तो उस रीढ़ की हड्डी का क्या होगा। सर अनूप सर, जो विकास सिंह ने अभी कहा कि जस्टिस प्रोसीजर तो था फॉर डिलीवरी ऑफ जस्टिस, वहां पे बहुत खामियां हैं। अब देखिए ये वर्चुअल होता है, यहाँ कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है स्पेशली हो कि चीफ जस्टिस के सामने कोई मेंशन किया जाए अर्जेंसी के लिए जी। अब इन्होंने कह दिया आप सिर्फ अर्जेंट केसेस सुनेंगे। अब हमारे जो हियरिंग पार्टी के 15-15 साल पुराने वाले केसेस लगे थे रेगुलर हियरिंग पार्टी में, हम लोग वेट कर रहे थे, वो सब ठप हो गए। तो ये नॉर्मल वर्किंग जो था, सबसे बड़ी गलती कहर साहब से वो हुई थी। देखिए कहर वहीं से शुरू हुआ, कहर की जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है, ये जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का के खिलाफ जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुन रहा था कि वेदर द गवर्नमेंट हैज द राइट टू अपॉइंट या कोर्ट अपॉइंट करेगी जजेस को सुप्रीम कोर्ट में और अन्य जगह पे, इन्होंने जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर एक गुमछल्ला छोड़ दिया, उसी को पकड़ के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को पकड़ के बैठ गई गवर्नमेंट। और उसी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर की वजह से जो आया एक जैसे, उसी वजह से सारे अपॉइंटमेंट डिलेज होते चले जा रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट बाध्य हो जाता था कि अगर एक बार उन्होंने वापस भेजा और कॉलेजियम ने दोबारा भेज दिया कोई अपॉइंटमेंट या कोई रेकमेंडेशन, तो उनको करना ही पड़ता था। पर इन्होंने बाद में भी जो चीफ जस्टिसेस आए, किसी ने ये केसफिश नहीं किया। अब जैसे गोगोई साहब को बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने वो बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट उठा के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दी, जबकि मिश्रा जी सुन रहे थे तो कह रहे थे कि ये सिर्फ टाइटल सूट है, हम इसको केवल टाइटल सूट ही सुनेंगे। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दी,
ये मेमोरेंडम प्रोसीजर को भी क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बुला करके इसको इसमें कोई अमेंडमेंट किया गया, इसको विड्रॉ कर लिया जाता, तो फिर विकल्प नहीं होता सरकार के पास अपॉइंट नियुक्तियों को रोकने का। ये अब फिर दूसरी चीज ये मैं आपके बता दूं, और ये मुझे याद आता है एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं काफी, सीएस वैद्यनाथन जी, उन्होंने कहा था आप रुकिए, जब मिश्रा जी चले जाएंगे और जब गोगोई आएगा तो थोड़े दिन बाद आपको लगेगा कि मिश्रा जी एक दूत थे, एंजल थे। अब वही हुआ एक्चुअली, और ये बात भी मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि बाकी केसेस में मिश्रा जी का एटीट्यूड काफी रिलीफ गिवन था, एटीट्यूड टुवर्ड्स द लॉयर्स काफी रिस्पेक्टफुल था, कहीं जाकर के वो बाद में बस सरकार के कुछ केसेस में ही गड़बड़ वो मतलब फेवर करना शुरू किया उन्होंने, वो बात दूसरी थी, लोगों का परसेप्शन ही बढ़ा, पर गोगोई साहब ने तो सत्यानाश कर ही दिया और उनके आने वाले लोगों ने भी कुछ कमी नहीं छोड़ी, यानी कुछ सुधार नहीं हुआ, तो वो और गिरता चला गया। अब मैं कोई भी ये करने प्रिडिक्शन नहीं करना चाहूंगा कि भविष्यवाणी के रमन्ना साहब का पीरियड कैसे रहेगा, वैसे हैं तो टेम्परमेंट के काफी सोबर, मैं इनको जानता हूँ, जब 96 में एडिशनल एडवोकेट जनरल थे और हम एडवोकेट जनरल थे तब वो एडवोकेट जनरल्स कॉन्फ्रेंस जो हमने बनाई थी उसका मैं कन्वीनर था, उसमें काफी इनसे मुलाकात होती रहती थी क्योंकि इनके एडवोकेट जनरल आंध्र प्रदेश के बड़े बुजुर्ग थे, वो आते नहीं थे मीटिंग्स में, तो वहां से इनके व्यवहार में तो काफी सौम्यता है, कहते हैं अपन सौम्य व्यवहार है इनका। अब आगे क्या से होता है ये तो हम नहीं कर सकते, जो अभी तक जो गए से तो अपनी कहावत नहीं हिंदी में कि शेर रहता है और एक सवा शेर तो जरूर उत्पन्न हो जाता है। जिस तरह अंतिम सुनवाई के दौरान हरीश सालवे के एमिकस क्यूरी अपॉइंट को लेकर हमला किए हुआ और तमाम सीनियर एडवोकेट्स ने बोला, इसके साथ ही जो हाईकोर्ट से ट्रांसफर करने की बात हालांकि ऑर्डर में नहीं थी लेकिन फिर भी बात फैल गई, उसके बाद लगातार सोशल मीडिया और तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ, आप इसको कितना कहां तक उचित मानते हैं? देखिए जो पास्ट कॉन्डक्ट रहा है ना बोबडे साहब का कि हाई कोर्ट के जो अच्छे अच्छे ऑर्डर हो उनको स्टे कर देना, सरकार के हक में स्टे कर देना, सरकार के कहने पर स्टे कर देना, इससे लोगों की एक बहुत बड़ी शंका बनी कि ये हाई कोर्ट सरकार के खिलाफ ऑर्डर कर रहे हैं ये ऑक्सीजन वगैरह के मामलों में या कोविड के मामलों में, तो अब सुप्रीम कोर्ट एक महीने से तो इनके इनकी जू भी नहीं रहेंगी, एक महीने के बाद हाई कोर्ट्स ने ऑर्डर्स करने शुरू कर दिए और सरकार उस पर अनकंफर्टेबल हो गई, तो उस पर वो कहते हैं कि अब हम इसको ले लेंगे और यहीं पर सुनवाई करेंगे। अगर कोई विरोधाभास हो हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स में तब तो ठीक है, समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान ले ले और उसकी सुनवाई करे जी, लेकिन इसमें ये झलक रहा था जिसको कहते हैं कि इसकी बू आ रही थी, सब लोगों को इसकी बू आ रही थी कि ये तो सरकार के कहने पर हाई कोर्ट्स के ऑर्डर को निरस्त करने की कोशिश करी जा रही और उसके बाद फिर सालवे को एमआईकस अपॉइंट कर देना। अरे भाई हरीश सालवे लंदन में बैठे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के वकील हैं, उसी दिन उनका दूसरा केस था वेदांत का जिसमें वो कह रहे थे वेदांत का प्लांट खुलवा दीजिए तो हम ऑक्सीजन यहाँ सप्लाई कर देंगे, ये सबको पता है कि वो उनके क्लाइंट जो हैं उनके तरह तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, तो उन्हीं को बनाने की क्या जरूरत थी, ये भी सबको पता था कि हरीश सालवे सरकार की तरफ से हर बार बहस करते हैं, हर बार सरकार के पक्ष में खड़े होते हैं, एक केस भी आप ढूंढ नहीं सकते जो कि जिसमें हरीश सालवे सरकार के खिलाफ खड़े हों पिछले कई सालों में, तो इसलिए सरकारी वकील माने जाते हैं चाहे वो सरकार का ओहदा नहीं होल्ड करते, तो इसलिए उनको एमआईकस बनाने से भी यही बू आने लगी कि ये तो बिल्कुल सरकार के कहने पर सरकार के इशारों पर ये सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन कर रहा है। ठीक है, इस वजह से जो सीनियर एडवोकेट्स ने उठाया वो सही था, बिल्कुल करेक्ट था, बिल्कुल सही था, बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को बचाने का सबका काम है और इसीलिए कहीं ना कहीं जो गलत बात है वो सीनियर एडवोकेट्स ने उठाई और हम उम्मीद करेंगे कि एनवी रमन्ना के साथ
के समय जो सुप्रीम कोर्ट की गिरती हुई साख है वो कहीं ना कहीं बचे, रेस्टोर हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।